और वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस बार भी नागपुर में नहीं होगा विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, विदर्भवादियों ने इसे नागपुर करार का उल्लंघन बताया। नागपुर के ट्रक से चोरी किए 77 लाख रुपए के मोबाइल, वाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला हुआ दर्ज। और प्राइमरी स्कूलों में एक बार फिर लौटेगी रौनक, 1 दिसंबर से पहली से स्कूल होंगे शुरू, शिक्षकों के साथ ही छात्रों और पालकों में खुशी का वातावरण। विस्तार से नागपुर में होने वाले शीत सत्र अधिवेशन को लेकर पहले से ही संदेह व्यक्त किया जा रहा था, क्योंकि अधिवेशन की तैयारियां कुछ भी नहीं की जा रही थी। आखिरकार गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में शीत सत्र अधिवेशन मुंबई में ही लेने की घोषणा की गई। इस फैसले से विदर्भवादियों ने नाराजगी व्यक्त की है। सरकार के इस फैसले को नागपुर करार का सीधा तौर पर उल्लंघन माना जा रहा है। विदर्भवादियों ने राज्य सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि यह सरकार नागपुर करार का उल्लंघन कर रही है। कोरोना काल में भले ही शीत सत्र मुंबई में आयोजित किया गया हो, लेकिन अब कोरोना का संकट भी खत्म सा हो गया है। सारी राजनीतिक गतिविधियां चालू है, नेता ही भीड़ कर रहे हैं, बाजार खुल गया है, सारी एक्टिविटीज शुरू हो गई है, 1 दिसंबर से स्कूल तक खुलने वाले है। ऐसे में केवल शीत सत्र को मुंबई में शिफ्ट कर देना विदर्भ के साथ घोर अन्याय है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, संगठन, नागरिक शीत सत्र के दौरान अपनी बातें, मांगे सरकार के समक्ष मोर्चा, रैलियों के माध्यम से रखते हैं। उल्लेखनीय है कि 7 दिसंबर से नागपुर में शीत सत्र प्रस्तावित था, लेकिन कोई तैयारी नजर नहीं आ रही थी। अब मुंबई में 22 से 28 दिसंबर तक सत्र आयोजित करने का निर्णय लेने की जानकारी है। नागपुर में शीत सत्र होने से विदर्भ के मुद्दों पर चर्चा होनी है, विकास को लेकर निर्णय लिए जाते हैं। लोग अपनी समस्याओं को सीधे तौर पर सरकार तक मोर्चे और आंदोलन के माध्यम से पहुंचा पाते हैं, लेकिन सरकार ने मुंबई में अधिवेशन का निर्णय लेकर नागपुर का अधिकार छीना है। कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद से स्कूलें बंद हैं। हालांकि शहरी भागों में 8वीं से 12वीं और ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं तक स्कूल खुल गए हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल बंद होने से रौनक नजर नहीं आ रही थी। अब सरकार ने 1 दिसंबर से सभी स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इससे छात्रों सहित पालकों और शिक्षकों में भी आनंद का वातावरण है। करीब 19 महीने से राज्य भर में स्कूल बंद है। गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। हालांकि स्कूल कोविड के नियमों का पालन कर ही खोले जाएंगे, लेकिन इससे बच्चों को काफी राहत मिलेगी। अब तक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी इन दिक्कतों ने अभिभावकों के साथ दिया, लेकिन स्कूल और शिक्षकों की कमी महसूस होती थी। स्कूल शुरू होने से पालकों को भी राहत मिलेगी, बच्चों में स्कूल जाने को लेकर खुशी का माहौल है, पढ़ाई के साथ ही बच्चों की मौज मस्ती भी बढ़ जाएगी। सरकार ने स्कूलों में सैनिटाइजर और मास्क के उपयोग को अनिवार्य किया है। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की सही पढ़ाई क्लासरूम में ही होती है, उन्हें बैठकर ही समझाया और पढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन में केवल होमवर्क दिया जा रहा था, वहीं ग्रामीण और दुर्गम भागों में तो बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे थे। यदि सरकार अभी निर्णय नहीं लेती तो आने वाले दिनों में गंभीर समस्या हो सकती थी। सही समय पर सरकार ने निर्णय लेकर योग्य कदम उठाया है। दिल्ली से विभिन्न कंपनियों का माल लेकर नागपुर पहुंचे ट्रक से अज्ञात आरोपियों ने 77,96,000 रुपए के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। वाड़ी पुलिस ने आष्टी वर्धा निवासी अशफाक मुस्तफा खान की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अशफाक फास्टैग लॉजिस्टिक कंपनी के संचालक है। विगत 21 नवंबर की रात उनकी कंपनी के ट्रक का चालक अलीम खान विभिन्न प्रकार के माल को लेकर दिल्ली से नागपुर आया। वाड़ी के खड़गांव रोड पर स्थित मोदिता कंपनी के कार्यालय के सामने उसने अपना ट्रक खड़ा कर दिया। इसी दौरान ट्रक से माल उतारा गया तो 53 बॉक्स कम थे। इन 53 बॉक्स में नामी कंपनी के 130 मोबाइल फोन रखे थे, जिनकी कीमत 77,96,000 रुपए बताई गई। अलीम ने घटना की जानकारी अशफाक को दी। अशफाक मौके पर पहुंचे और पूछताछ के बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही वाड़ी पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस के अनुसार ट्रक में लदे बॉक्स दिल्ली से नागपुर के बीच चोरी हुए हैं। वाड़ी थाना क्षेत्र में इसके पूर्व भी इस प्रकार की चोरी हो चुकी है। 53 बॉक्स चोरी करने के लिए चोरों ने निश्चित ही बड़े वाहन का उपयोग किया होगा।
इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उमरेड पुलिस ने उमरेड शहर से चुराई गई बोलेरो पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी के मामले में मध्य प्रदेश के चिखला ग्राम निवासी रामप्रसाद सिखीराम रॉय को वाहन समेत गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी के खिलाफ नागपुर, उमरेड, वाठोड़ा, हुडकेश्वर सहित और भी कई पुलिस थानों में चोरी के मामले दर्ज है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उमरेड शहर के जोगी थाना पेट निवासी फिरियादी सुभाष कृष्ण राव हरडे ने अपनी महिंद्रा मैक्स पिकअप गाड़ी उमरेड शहर के राशि पेट्रोल पंप अड्डे वाले लेआउट के सामने खड़ी रखी थी। दूसरे दिन सुबह दुकान आने के लिए निकलने पर उनको अपनी गाड़ी कहीं नजर नहीं आई। फिरियादी ने उमरेड पुलिस स्टेशन में गाड़ी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। उमरेड पुलिस ने पेट्रोल पंप के आगे लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना प्रारंभ किया तो रात को दो अज्ञात व्यक्ति बाइक पर आए थे तथा इसमें से एक आरोपी पिकअप गाड़ी में बैठकर गाड़ी ले जाते हुए दिखा। इसमें से एक आरोपी को उमरेड पुलिस ने हिरासत में लिया तथा आरोपी के पास मध्य प्रदेश से चुराई गई बोलेरा पिकअप गाड़ी बरामद कर ली तथा बाइक भी बरामद कर ली। यह कार्रवाई उमरेड DYSP भीमराव टेले के मार्गदर्शन में उमरेड के थाना प्रभारी महेश भोरटेकर के नेतृत्व में उमरेड पुलिस थाने के DB पतक के PSI बट्टूलाल पांडे, जामदार अरुण जयसिंहपुरे, रमेश त्रिपाठी, कांस्टेबल अरविंद चौहान आदि ने की। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही लापरवाही भी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों नंदनवन के अनुसया मंगल कार्यालय में एक कैटरिंग कार्य में लगा एक 16 वर्षीय किशोर की लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। इस मामले में मंगल कार्यालय के मैनेजर सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी तरह की एक घटना वाठोड़ा थाना क्षेत्र में श्रवण नगर इलाके में स्थित सचिन सेलिब्रेशन हॉल में हुई थी। यहाँ करंट लगने से एक वेटर की मौत हो गई थी। पुलिस ने डेकोरेशन व्यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जय दुर्गानगर भांडेवाड़ी निवासी अभिषेक लेकराम बोरकर बीते सोमवार की शाम सचिन सेलिब्रेशन हॉल में आयोजित समारोह में कैटरिंग का काम करने गया था। यहां सजावट के लिए टेबल पर लाइट लगाई गई थी। अभिषेक का हाथ खुले वायर को लग गया, उसे जोरदार झटका लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। साथ ही कर्मचारियों ने उसे उपचार के लिए मेयो अस्पताल में भर्ती किया, पर रात को अभिषेक की मौत हो गई। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। जांच में डेकोरेशन व्यवसाय की लापरवाही सामने आई। सजावट के दौरान टेबल पर वायर खुला छोड़ दिया गया। काम करते समय अभिषेक वायर के संपर्क में आ गया और उसे करंट लगा था। इस मामले में पुलिस ने मयूर डेकोरेशन के संचालक श्रवण नगर निवासी लाला जुमड़े और मयूर सरोदे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन दिनों नागपुर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जोरों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई में विरोध भी होने लगा है। बुधवार को सुपर मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तहसील पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। वहीं गुरुवार को भी कमाल चौक पर अतिक्रमण विरोधी दस्ते को लोगों ने घेर लिया। तनाव की स्थिति के बाद तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। शहर में अतिक्रमण गंभीर समस्या बनती जा रही है। अतिक्रमण के कारण फुटपाथ गायब हो गया है। सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की समस्या निर्माण हो रही है। अतिक्रमणकारी दस्ते को देख कुछ देर के लिए सामान तो हटा लेते हैं, लेकिन बाद में फिर से वही स्थिति बन जाती है। बुधवार को जब अतिक्रमण विरोधी दस्ता आसीन नगर जोन अंतर्गत कार्रवाई के लिए कमाल चौक रोड पर पहुंचा, तो कमाल चौक से कार्रवाई शुरू करते हुए जैसे ही दस्ता आगे बढ़ा, अतिक्रमणकारियों ने विरोध कर दस्ते को घेर लिया। पुलिस होने के बावजूद उसका जमकर विरोध शुरू कर दिया गया। मामला बढ़ता देख दस्ते की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। सूचना मिलते ही तुरंत अतिरिक्त पुलिस पहुंच गई। इसके बाद दस्ते ने कमाल चौक से लेकर इंदौरा चौक तक सड़क के दोनों ओर से पूरा अतिक्रमण साफ कर लिया।
दस्ते के आने की भनक लगते ही सड़कों पर लगे ठेले भीतर गलियों में भागते नजर आए। फिर भी दस्ते ने गलियों में भी जाकर लगभग 8 ठेले जब्त कर लिए और 38 दुकानों का सफाया कर दिया। वहीं सतरंजीपुरा जोन अंतर्गत दही बाजार पुल पर से भी अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। कुछ अतिक्रमणकारियों ने पुल के नीचे से कब्जा कर रखा था। इसके खिलाफ दस्ते ने बुलडोजर चलाकर कई दुकानों को चकनाचूर कर दिया। किसानों की वित्तीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करने के लिए मौसम के खतरों से फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए फल फसल बीमा योजना शुरू की गई है। जलवायु और मौसम में आए परिवर्तन के कारण किसानों को फल उत्पादन घट रहा है और किसानों को अपेक्षित उपज भी नहीं मिल रही है, इसलिए मौसम आधारित फल फसल बीमा की शुरुआत की गई। लेकिन नुकसान के बाद किसानों को इस बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बीमा प्रीमियम में वृद्धि के कारण तहसील के संतरा उत्पादक किसान फल फसल बीमा का बहिष्कार करने की तैयारी करने की तस्वीर नरखेट तहसील में देखी जा रही है। नागपुर जिले में 2021-22 अंबिया बहार संतरा बाग बीमा अचानक 3 गुना बढ़ गया, क्योंकि पहले से ही आसमानी सुल्तानी संकट से त्रस्त नरखेट तहसील के संतरा उत्पादकों के संकट में बीमा की लागत और भी अधिक बढ़ गई। संतरा उत्पादकों का जहां नोटबंदी से लेकर कोरोना के संकट तक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वही सरकार ने फसल बीमा के मामले में संतरा उत्पादकों के साथ अन्याय किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने नागपुर जिले में संतरे का हिस्सा प्रति हेक्टेयर 5 गुना बढ़ा दिया है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान संतरे की मांग नहीं होने के कारण किसानों को व्यापारियों को संतरे कौड़ियों के दाम पर बेचना पड़ा। संतरे पर रोग, फल गलन, संतरे को कम भाव, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि ने पहले से ही संतरा उत्पादक किसान संकट में था और अचानक फल फसल बीमा को और अधिक महंगा बना देने से किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है। इसी तरह किसान का हिस्सा 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर था, लेकिन अब वही फल फसल बीमा के लिए 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर देना होगा, यह परिपत्र में उल्लेख किया गया है। 2020-21 में बीमित राशि 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर थी। किसानों द्वारा कवर की गई राशि 80,000 रुपए थी, लेकिन अब सरकार ने इस बीमा की राशि को 5 गुना बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया है। इसी तरह सरकार को बीमित राशि की तुलना में बीमा राशि में वृद्धि करनी चाहिए थी। इसके विपरीत सरकार ने संरक्षित राशि को बढ़ाए बिना 80,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बनाए रखा है। सर्कुलर के अनुसार किसानों को बीमा के लिए प्रति हेक्टेयर 1,333 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। मद्रास नई दिल्ली सेंट्रल रेलवे लाइन पर नरखेड़ में बने रेलवे गेट के बार बार बंद होने से लोगों को काफी देर तक गेट खुलने का इंतजार करना पड़ता है, जिसे इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। वहीं इस रेलवे गेट की दूसरी ओर 3 स्कूल हैं, जहां अभी स्कूल चालू होने पर रोज 500-600 छात्र स्कूल में रोजाना आना जाना करते हैं। वैसे ही नरखेड़ के कुछ किसानों की जमीनें भी गेट के उस पार होने से उन्हें भी बहुत देर तक गेट पर बैलगाड़ी के साथ खड़ा रहना पड़ता है। रेलवे गेट के पास ही स्टेट हाईवे क्रमांक 246 पर रेलवे ओवरब्रिज बना है। इसकी बनावट ठीक से नहीं होने से इसका उपयोग सिर्फ वाहनों के लिए ही हो रहा है। साइकिल या पैदल चलने वाले इस ब्रिज का इस्तेमाल करना यानी खतरा मोल लेना जैसा है। आमतौर पर रेलवे ओवरब्रिज में पैदल चलने वालों के लिए दोनों बाजू से सीढ़ियों की व्यवस्था होती है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार इस ओवरब्रिज को बनाते समय इसके प्लसनिंग में सीढ़ियां बनाना नहीं होने के कारण सीढ़ियां नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों को भी गेट पर ही इंतजार करना पड़ता है। इस जगह पर अंडरपास रोड शासन की ओर से मंजूर हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। अंडरपास बनने से भी लोगों की काफी हद तक परेशानी कम हो सकती है। इस रेलवे फाटक की वजह से जहां आम लोग परेशान है, तो वही एम्बुलेंस को गेट पार करने में काफी दिक्कतें आती है। यदि किसी सीरियस पेशेंट को फाटक के उस पार ले जाना हो और उस समय फाटक बंद रहा तो मरीज की जान को भी खतरा रहता है। ऐसे में एम्बुलेंस चालक इस फाटक वाले मार्ग को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाते हैं। हालांकि इसमें पेट्रोल डीजल के अलावा समय भी अधिक लगता है, लेकिन जितना देर फाटक पर इंतजार करना पड़ता है उतनी देर एम्बुलेंस मरीज को लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। तो अभी के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।